सोनी लिव के नए वेब सीरीज जहानाबाद ऑफ लव एंड वॉर को देखने के बाद आपके मन में कई सारे सवाल उठ रहे होंगे। सोच रहे होंगे कि आखिर क्लाइमेक्स में ये क्या हो गया, क्या कस्तूरी जिंदा है, क्या वो नक्सली बन गई है, अभिमन्यु दीपक का क्या हुआ। इन सारे सवालों का जवाब यहाँ मिलेगा। बाल नमस्कार, मैं चंदन कुमार स्वागत करता हूँ सभी का फिल्मी भवन पर फिर से एक बार। ओटीटी की दुनिया में इन दिनों में जहानाबाद ऑफ लव एंड वॉर का चर्चा बहुत ही खूब हो रहा है। राजीव बन्नवाल और सत्यांशु सिंह ने इसका निर्देशन किया है। बिहार के जिला जहानाबाद के 2005 में हुई चर्चित जेल कांड पर आधारित है, जहाँ करीब 500 माओवादियों ने पूरे शहर को अपने जद में अपने कब्जे में ले लिया था। 3 नवंबर की इस घटना में जहानाबाद की जेल से करीब 370 से अधिक जो कैदी थे वो फरार हो चुके थे। इनमें 130 माओवादी शामिल थे। मेकर्स ने इसी कहानी के प्लॉट को लेते हुए इसमें प्यार, राजनीति और जातिवाद को डाल करके नई वेब सीरीज बना दी। फिल्म में ऋतिक भौमिक, हर्षिता गौर जैसे महान कलाकार इसमें शामिल है। 3 फरवरी को यह वेब सीरीज सोनी लिव पर रिलीज कर दी गई थी। उम्मीद है कि आपने अभी तक इसको देख भी लिया होगा। नहीं देखा तो जाकर देखो। सीरीज की एंडिंग यानी क्लाइमेक्स का सीन कुछ ऐसा है जिसे देखने के बाद आप भी उलझन में पड़ जाओगे, आखिर ये हुआ क्या। तो आइए फिर इस उलझन को सुलझाते हैं। सीरीज के हर एपिसोड की लंबाई करीब 30 मिनट से लेकर 50 मिनट के आसपास की है। सीरीज के आखिरी एपिसोड में हम देखते हैं कि अभिमन्यु और कस्तूरी शादी करने वाले हैं, लेकिन जैसे ही बारात घर पे पहुंचती है नक्सली अभिमन्यु का अपहरण यानी किडनैप कर लेते हैं। सीरीज की शुरुआत भी इसी सीन से हुई थी। कस्तूरी अब शादी के जोड़े में ही नक्सली और पुलिस का पीछा करते हुए स्कूटी पर निकल जाती है। जेल के बाहर जब कस्तूरी पहुंचती है तो वहां देखती है कि पुलिस और नक्सलियों के बीच में भारी गोलाबारी चल रही है। फिर कहानी मोड़ लेती है, कस्तूरी का प्यार उसका सारा सपना चकना चूर हो जाता है। आखिरी एपिसोड के क्लाइमेक्स में हम ये देखते हैं कि हथगोले और गोलियों के धुएं में जो अभिमन्यु है उसकी गोद में कस्तूरी बदहवास पड़ी हुई है। यहीं पर सीन ब्लैक आउट हो जाता है। इसके बाद हमें कुछ सालों बाद छत्तीसगढ़ के घने जंगलों को दिखाया जाता है। कस्तूरी को नक्सलियों की वर्दी वाली ड्रेस में देखते हैं जो पुलिस से छिपती हुई नजर आती है। यहीं पर सीरीज को खत्म कर दिया जाता है। ताहिर की मेकर्स ने इसी के साथ इस सीरीज के सीक्वल यानी कि सीजन 2 का भी विचार बिछा दिया। लेकिन सवाल उठना लाजमी है कि कस्तूरी जो नक्सलियों की वर्दी में क्या कर रही, उसे तो गोली लगी थी। क्या कस्तूरी जिंदा है? कस्तूरी तो नक्सलवाद के खिलाफ थी, फिर वो उनकी गुट में क्यों शामिल हो गई और कैसे? तो शो की एंडिंग को देख करके ये पता चल जाता है कि कस्तूरी भी जिंदा है, कि अभिमन्यु ने शायद उसे बचा लिया है। कस्तूरी का प्यार न सिर्फ सच्चा है बल्कि उसका साथ देने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। और वैसे भी कस्तूरी का जो किरदार है बहुत ही बेबाक और बिंदास लड़की का है। तो हिम्मत वाली भी है, क्योंकि एक बार हमने जब कॉलेज में देखा था कि जब वो किसी दलित को परेशान कर रहे थे तो उसने आवाज उठाई थी उसके खिलाफ। इसका मतलब यह तो जरूर है कि वो अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकती और जाति के भेद में उसकी कोई भी दिलचस्पी नहीं है। बहुत अधिक संभव है कि अभिमन्यु कस्तूरी की जान बचा लेता और शायद उसका ब्रेन वॉश कर देता है। अभिमन्यु ने उसे यह बताया हो कि जिसे सरकार और प्रशासन नक्सली यानी आतंकवादी समझते हैं वो असल में योद्धा हैं, जो समाज में बराबरी और हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। कस्तूरी की सोच में अधिकारों और सच के लिए लड़ाई तो है ही, और साथ ही उसे अभिमन्यु के साथ रहना था इसलिए वो नक्सली के गैंग में शामिल हो जाती है। साथ ही अभिमन्यु का भाई और नक्सल कमांडर दीपक दोनों ही ब्रेन वॉश के काम में तो माहिर है, और ऐसे में कस्तूरी का गैंग में शामिल होना कोई बड़ी बात तो नहीं है। जहानाबाद सीजन 2 में क्या होने वाला है? जहानाबाद सीजन 1 में मेकर्स ने नक्सलियों की कहानी तो दिखाई, लेकिन राजनीति और प्रशासनिक महकमे पर ज्यादा फोकस किया है। लेकिन अब जब सीरीज में दोनों ही लीड कैरेक्टर यानी कि अभिमन्यु और कस्तूरी खुलकर खुद को नक्सली बता रहे हैं, तो कमांडर दीपक भी जेल से फरार हो चुका है, तो बहुत अधिक संभव है कि जहानाबाद के सीजन 2 में अब जंगल और जमीन को लेकर के नक्सल की लड़ाई को ज्यादा दिखाया जाएगा। तो कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। शिवानंद सिंह यानी रजत कपूर का किरदार जो है वो इलेक्शन को जीत जाता है, उसके सत्ता में आते उसका जो बाहुबली रूप है वो सामने आ जाएगा। शिवानंद कस्तूरी को अपनी बेटी मानते हैं, तो सत्ता में आने के बाद वो कस्तूरी के साथ कैसा व्यवहार करेंगे देखने वाली बात होगी। अभी तक मेकर्स ने इसको लेकर के इसमें कोई भी किसी भी तरह का ऐलान नहीं किया है। ऐसे में एक अच्छे दर्शक की तरह से हमें और इंतजार करना होगा। जहानाबाद सीजन 2 का आना तय है, क्योंकि सीजन 1 के आखिरी एपिसोड में जो क्लिफहैंगर पे समाप्त होता है उससे यही पता चलता है कि इसका सीजन 2 पक्का आएगा। आपने इस वेब सीरीज को देख लिया है तो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, यदि आपने नहीं देखा है तो अभी जाकर देखें। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो में अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपकी कोई राय है तो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए तबाही मचाते रहो।